आज हम बनाने जा रहे हैं दीपावली के लिए कुछ स्पेशल रेसिपी। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप जो खाना पसंद करते हैं वो डालिएगा। और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। देखिए हमारा जीरा चटकने लगा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, सबको हम अच्छे से भून लेंगे। मलाई कोफ्ता का ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसमें ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए भी इसको डाल देते हैं। इसी में हम पीस लेंगे। अदरक और लहसुन का टुकड़ा है। हमारा प्याज हल्का भून चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। एक साथ ही हम सभी मसाले को भून लेंगे। इसको भी डाल के भूनेंगे। फिर इसमें हमारा ये गया काजू, इसमें काजू भी डाल देंगे। फिर हमारा इसमें जाएगा नमक। नमक हम 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हमारा जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और इसका 1/4 काली मिर्च पाउडर। सभी मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। सभी मसालों को एक साथ हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमें सभी मसाला सॉफ्ट हो जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी थोड़ा सा ही डाल के हम इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे और ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए ये देखिए, हम कोफ्ते के लिए 2 आलू लिए हैं। इसको उबाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ये पनीर डालेंगे। देखिए ये हमारा पनीर, जो मलाई से घी निकालते हैं ना वही पनीर है। ये हम 5 से 6 कलियाँ लहसुन को बारीक चॉप कर लिए हैं। थोड़ा सा अदरक है, इसे भी हम कर लिए हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे और लेंगे 2 टेबल स्पून और नमक डालेंगे। हम यहाँ 1/2 टीस्पून नमक ले रहे हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये भुनी हुई मेरे जीरा पाउडर है। थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मसाल मसाल के हम डो की तरह खूब अच्छे से रेडी कर लेंगे। तेल लगा लेंगे और इसका छोटी छोटी ऐसे लोई बना के हम देखिए कितना आराम से बन जाएगा। तेल लगाने से क्या होता है, चिपकता नहीं है। ऐसे हम सभी को कोफ्ते बना लेंगे। कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम तेल डाल दिया है। अब एक एक करके हम गैस हमारा एकदम लो फ्लेम पर नहीं होना चाहिए, तेल एकदम गर्म होना चाहिए। इसका हो गया है हमारा कोफ्ते का। अब इसे हम निकाल लेंगे। एकदम टूटा नहीं है, बहुत अच्छा बेंडिंग हुआ था। अब सभी कोफ्ते को हम उसी तरह डाल के तल लेंगे। सारे कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम सबको निकाल लेंगे।
की ग्रेवी बनाने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। मेरा तेल गर्म हो रहा है, अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, इसे हम क्रश करके डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी, इसे भी हम क्रश करके डालेंगे। देखिए कितना अच्छा से सभी मसाले हमारे फूट रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। कस्तूरी मेथी और साबुत धनिया का सेंट तो बहुत ही अच्छा आता है मसाले में। अभी जार में जो है उसको भी हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके। इसे हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि ये हमारा सब भुनी हुई मसाले थी। ज़्यादा देर पकने में टाइम नहीं लगेगा, बस 1 से 2 मिनट पक जाए फिर हमारा कोफ्ता रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला पकते हुए 2 मिनट हो चुका। देखिए ग्रेवी हमारा कितना थिक हो चुका है। अब इसमें हम कि 1 कटोरी दूध डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 2 टेबल स्पून चीनी, ये दोनों को डाल देने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आप दूध और चीनी दोनों डालें, गैस को एकदम लो फ्लेम कर दें और 1 उबाले आने तक इसको पकाएं। देखिए हमारा मलाई कोफ्ता का ग्रेवी कितना अच्छा से पक चुका है। मुझे बस ऐसा ही थिक ग्रेवी चाहिए। अब इसमें हम सारे जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। थोड़ा सा हम क्रश करके ऊपर से इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा हम धनिया का पत्ती डालेंगे। लिए थे ये देखिए हम अमूल फ्रेश क्रीम लिए हैं, इसको डाल देंगे। ये लीजिए हमारा मलाई कोफ्ता एकदम सर्व करने के लिए रेडी हो गया। वाव कितना यम्मी दिख रहा है ना। ये देखिए आज हम कुलचा बनाने जा रहे हैं, तो कुलचा बनाने के लिए 500 ग्राम मैदा लिए हैं और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक। उसके बाद हम डालेंगे, देखिए थोड़ा सा हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब इसमें डालेंगे हम शुद्ध देसी घी 2 टेबल स्पून। देखिए अब सब कुछ हम डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे दही, जब हम दही से ही गूंथ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत फ्लफी होता है। एकदम हम घर का जमाया हुआ ताजी दही लिए हैं। खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो टेस्ट खट्टा खट्टा लगने लगता है, टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। इसका हम डो एकदम नरम लगाएंगे। पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दही से ही हमारा ये लगभग पूरा मिक्स हो चुका है मैदा। एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे बस नरम होने के लिए। ये देखिए हमारा डो कितना बढ़िया बन के तैयार हो चुका। देखिए कितना फ्लफी है, कितना नरम है। कुलचा का डो इतना ही नरम होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा
घी लगाएंगे। चिकना करने के लिए और इसे रेस्ट करने के लिए हम 20 से 25 मिनट तक ढक के रख देंगे। ये हमारे डो को रेस्ट करते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके। वाओ, कितना सॉफ्ट बना है ना। तो चलिए पंचे के लिए हम लोई तोड़ लेते हैं। कुलचा जब भी बनाए थोड़ा मोटा ही बनाए और इसमें आटा लगा के हम नहीं बेलेंगे। थोड़ा सा घी या थोड़ा सा तेल लगा के बेल सकते हैं यदि नीचे चिपके तो। देख सकते हैं कितना अच्छा से पूरा डो बनके तैयार हुआ है। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में बेल सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे क्योंकि फिर उठाने पर ही मैदा है तो सिकुड़ जाता है। इसमें हम थोड़ा सा काला जीरा डालेंगे और थोड़ा सा धनिया का पत्ती। इससे कुलचा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसका थोड़ा सा हम इसको बेलन से बेल देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। सीधे उठा के हम इसको तवा पर ऐसे डाल देंगे। देखिए अब हम इसको पलट लेंगे। कितना सुंदर कलर आया ना, कितना फ्लफी फ्लफी, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना फ्लफी लग रहा है। अब इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। देखिए कितना फ्लफी फ्लफी हुआ है ना, आप देख सकते हैं। मोटा है लेकिन एकदम भी कच्चा नहीं है। वाह, ये देखिए हमारा तवा कुलचा बनके तैयार हो चुका। कितना परफेक्ट बना है ना, सच में। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना ईस्ट का, बिना ओवन का, बिना तंदूर का हम तवा कुलचा कितना बढ़िया घर में बना के खा सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट से भी अच्छा। वाह, ये देखिए कितना यम्मी बना है ना कुलचा हमारा। तो वीडियो देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा कि वाह, अभी मिल जाता तो अभी ही खा ले। कितना मज़ेदार बना है ना हमारा मलाई कोफ्ता। सच में आप ऐसे मलाई कोफ्ता यदि घर में बनाइएगा तो रेस्टोरेंट और होटल का भूल ही जाइएगा। इतना अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा फ्लेवर, इतना मज़े वाली कोफ्ता कहाँ मिलेगी आपको। पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।